हेलो भाई, मैं हूँ अंकित और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी किया सोनेट। देखिए तो भाई, इस पर मैं कुछ करवा के देखा था। मैंने लास्ट वीडियोस देखी होंगी आपने मेरी, तो मैंने उस पर वो करवाई थी कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग करवाई थी। लास्ट वीडियोस में मैंने देखा था कि वो सूखी नहीं थी, तो ये सोचा था कि थोड़ी सी इसको चला के सुखाएंगे। तो जब मैं करवाने गया तो उन्होंने बोल दिया था कि साथ के साथ ओके हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चला के देखने में आप सूख जाएगी साथ के साथ। लेकिन वो नहीं सूखी, तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो बेवकूफ सा बना दिया कस्टमर को कि भाई सूख जाएगी, अगर कहीं गाड़ी ले जानी पड़ जाए तो नहीं सूखेगी ना। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आज ये चला के देखी है। मैंने करवाई थी मंडे या ट्यूसडे को करवाई थी, अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता निकल के। मैंने थोड़ी सी चला भी दी है ये, और खड़ी में भी कई दिन हो गए हैं, हालांकि मैं इसको कहीं दूर नहीं लेके गया हूँ, ना किसी गिल्ले में चलाया है, तो उसी का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ मैं कई दिनों से, कैसे क्या रिजल्ट रहता है। तो एक बार अब दोबारा चेक करते हैं कि वो सूखी है या नहीं सूखी है। तो एक बार दोबारा देखता हूँ मैं उसको, गाड़ी को कर देते हैं यहाँ पे बंद। इसको उतर के देखना पड़ेगा एक बार अपने को, वो सूखी है या नहीं सूखी है। यहाँ पे देखता हूँ पहले तो मैं पीछे की तरफ देखता हूँ एक बार, रगड़ के कर रहे हैं तो देखो ऐसा निशान आ रहा है अभी भी, पता नहीं क्या तो किया उन्होंने क्या नहीं किया। दूसरी तरफ देखता हूँ एक बार, वैसे तो सूख गई है, कहीं पे कुछ कुछ जगह पे नहीं सूखी है। देखो ये रह गया यार, ये दिक्कत वाली बात लग रही है मेरे को, थोड़ी मिट्टी भी जम गई है वैसे तो इस पे। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पे बिल्कुल सब जगह कर रखी इन्होंने, उसके नीचे भी दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ी सी और चलानी पड़ेगी मेरे को जब सूखेगी। तो एक बार यहाँ और देखता हूँ भाई, यहाँ से बिल्कुल लोहे पे तो सूख गई है यार ये, इतनी खास नहीं सूखी है, बाकी ये सही हो गई है वैसे तो। अब तो भाई इसका कुछ फायदा भी बता देता हूँ मैं आपको करवाने का, पहले अंदर चलते हैं गाड़ी के फिर बताता हूँ। तो भाई मैं इसके बताता हूँ ये कोटिंग वगैरह करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इसके कुछ फायदे नुकसान बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरी ओपिनियन जाने तो ये नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी से होके आते हैं ना पार्ट इसके, वो पहले से ही टेस्टेड वगैरह होते हैं, जो भी पेंट उन पे होता है तो उन पे रस्ट लगने की समस्या नहीं होती उतनी, जो भी इसके रहते हैं पार्ट। तो भाई जो कंपनी से इसमें पार्ट आते हैं जो कि पेंट हो ही रहते हैं, वो ज़्यादा उस पर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक तरह से आपको, तो ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस झमेले में ना पड़े कोटिंग करवाएं या ऐसा करो। वो कोई थोड़ा बहुत रेयर चांस होते हैं रस्ट की प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी आपके ये साइड में जो पैनल वगैरह होते हैं इनमें आएगी, और इन पर वो कोटिंग असर भी नहीं करती है। हालांकि मैंने करवा लिया लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने बहुत सोचा है लेकिन फिर भी वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने करवा लिया ये कोटिंग, नहीं तो मैं नहीं भी करवाता। हाँ अगर आप कोटिंग करवाना चाहते हैं ना तो आप बिल्कुल नई लेते गाड़ी उस पर कराएं, चला के ना करवाएं जैसे मैंने करवाई है, ऐसे तो भाई बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि इससे क्या होगा जो अगर आप थोड़ी बहुत चला लोगे ना, तो अगर आप उन्होंने ढंग से क्लीनिंग नहीं करी, 1% वो करते भी नहीं है वैसे भी, अगर ढंग से क्लीनिंग नहीं करी ना तो क्या होगा, अंदर जो मिट्टी लगी रह जाएगी वो उसी पर कोटिंग हो जाएगी, और क्या करेगा वो अंदर छुप जाएगी, फिर रस्ट तो फिर भी लगेगा, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर वगैरह होगा मिट्टी में तो फिर भी रस्ट लगेगा। तो ये थे भाई इसके करवाने के फायदे भी और नुकसान भी।
नहीं भी करवाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि ये यार एक तरह से थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करने वाली चीज़ है कि भाई आपकी बॉडी में डस्ट कोटिंग हो रखी है, चंग नहीं लगेगा नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लग भी सकता नहीं भी लग सकता है। अब इसके फ्यूचर में कोई फायदे वगैरह देखेंगे हम, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अपने को फ्यूचर में इसके, तो देखेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तो यदि भाई इसकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।